इवन कैसे हैं सब सब? होप सो आप सब अच्छे होंगे। मेरी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत नमस्कार। तो दोस्तों, हम आ गए अपनी ड्यूटी पे लाइव, और ड्यूटी की शुरुआत हो गई थी आज हमारी 10:30 बजे, जिसको हमने साइन ऑन करने के बाद हम आ गए अपनी लॉबी से एक स्टेशन पे स्पेयर। वहां से हमको देखो गाड़ी लेके जाना आगे। और ये देखिए, उससे पहले आपको एक गाड़ी दिखा देता हूँ, ये कैनम जी गाड़ी है, ठीक है? ये इसमें कोचिंग गाड़ी को जोड़ के गाड़ी बनाई जाती है, तो उसी में ही NMG बोलते हैं इसको, ठीक है? इसमें गाड़ियाँ वगैरह ये सब जाती हैं आगे। तो जितने भी मेरी YouTube फैमिली है वो जुड़ जाइए। आप लोगों का काफी कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप काफी कब लाइव आओगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, लाइव का टाइमिंग हो गया था, और लेकिन क्या कहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन आ रही थी और कुछ दिन मैं लीव पे था, तो मैं अपने ड्यूटी पे नहीं आ पाया, तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। तो ये देखिए कि यहाँ पे शंटिंग चल रही है, और ये देखिए पुराने ये शायद कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी पुराना, तो यहाँ पे लाइन वगैरह भी बिछ रही है अभी। हेलो हार्दिक, कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव में। चलिए दोस्तों, आपको दिखाता हूँ इलेक्ट्रिक का मोस्ट पावरफुल इंजन, WAG 12। तो यह है एम्प्टी बॉक्स, ठीक है, जिसको बक्सा बोलते हैं, जिसमें लोडेड कंटेनर वगैरह कुछ इलेक्ट्रिक कोर वगैरह ये सब लोड होते हैं। ये देखिए यहाँ पे स्टेशन मास्टर इनको क्वेश्चन देंगे, अभी आपको दिखाई दे रहा हो तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, या तो क्रू चेंज होगा या फिर क्वेश्चन वगैरह लेना होगा, तो यहाँ पे रुका जाती है गाड़ी। तो ये यह है यहाँ की मेन लाइन जिसमें ये गाड़ी आई है। जुड़ जाओ मेरी यूथ फैमिली सारी, काफी दिन हो गए आप लोगों से बात करें। तो दोस्तों, मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देता हूँ। मैंने पीछे भी एक वीडियो बनाई थी कि RPF के फॉर्म, SI और कॉन्स्टेबल के फॉर्म ऑनलाइन हो चुके हैं। थैंक यू अमन, थैंक यू, सॉरी। और काफी दिन हो गए थे, मैं लीव पे गया हुआ था, तो छुट्टी पे हम लोग फिर आज अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे थे, तो इसलिए मैं थोड़ा दूर रहा, लेकिन मेरी वीडियो आती रहती है। सुबह 7:45 पे या 7:30 तक मेरी एक वीडियो आ जाती है, शॉर्ट वीडियो, तो प्लीज मेरे चैनल पे जरूर देख ले। और नोटिफिकेशन उसका मिलता नहीं है, तो आप प्लीज चैनल पे जाके जरूर देखें उस वीडियो को। डेली मेरी एक वीडियो जरूर आती है, तो प्लीज अपनी प्यार और पेशेंस जैसे लाइव में देते हैं, ऐसी चैनल पे जरूर दीजिए। तो ये है एम्प्टी बॉक्स। तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा था RPF के लिए। तो RPF में आपको पता ही है कॉन्स्टेबल और SI की वैकेंसी निकली है, बहुत अच्छी वैकेंसीज है, काफी दिनों बाद में आई है RPF में। तो प्लीज अपनी तैयारी जो कर रहे हैं वो इसमें जरूर दें। फिजिकल, उसके लिए आपके लिए फिजिकल फिट होना जरूरी है, जिसमें आपको 5 मिनट के अंदर ये हेलो, आवाज आ रही है दोस्तों आपको? वॉइस का काफी इशू रहता है, सॉरी सॉरी अमन। आईटी के साथ 12th
एलपी के लिए फिगर से कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, ऐसे कुछ कोई दिक्कत नहीं है। आपने फॉर्म फिल कर दिया होगा, क्योंकि एलपी के तो आपको पता ही है, एलपी के फॉर्म अब निकल चुके हैं, तो उसके बाद में अब बच्चे हाई, अगर आपको 12th पास करके एक बढ़िया 60,000 तक की सैलरी वाली अगर जॉब चाहिए तो उसके लिए आरपीएफ आ गई है, तो आरपीएफ में भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको फिजिकली फिट होना चाहिए, एक एग्जाम होगा जिसमें 90 मिनट में 120 क्वेश्चन होंगे, जो आप प्रिपरेशन आरपीएफ ही कर रहे हैं उसमें थोड़ा कुछ ही आपको पढ़ना पड़ेगा, जीए वगैरह ज्यादा पढ़नी पड़ेगी उसमें, बाकी तो आपको जो टेक्निकल पोर्शन नहीं आएगा बाकी, तो ये भी बहुत अच्छी जॉब है, आप अपनी तैयारी के साथ साथ तो इसको भी फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए ये बताना बहुत जरूरी था, और काफी चीजें हो जाती हैं कि जब हम नहीं। अच्छा अमन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप 10th में हैं तो प्लीज 10th के बाद में आप एक काम जरूर करिए, आप आईटीआई जरूर कर लेना, आप कुछ भी हो आईटीआई अपना प्राइवेट कहीं से भी कर लो, और 12th अपना चलते रहिए। ठीक है, तो एलपी के लिए मैं आपको सीधा क्लियर कर देता हूँ, आप अपना वो जरूर रखें, पेशेंस भी रखें और अपनी तैयारी को भी कंटिन्यूस लगाए रखें। ठीक है अमन, तो 12th के बाद जरूर से जरूर आप अपना आईटीआई जरूर कर लें, क्योंकि आईटीआई एक ऐसी जॉब हो गई है इस टाइम पे जिसमें आपको कम पढ़ाई के अंदर बहुत अच्छी नौकरी मिल जाती है। आप देख लीजिए, आपके सामने ही है, हम भी आईटीआई कर रहे हुए बंदे हैं, तो आईटीआई करने के बाद अपना ड्रीम जॉब कर रहे हैं। हेलो हार्ड कोर, बिल्कुल ट्रेंड लवर हो आप भी। हेलो, तो ये है आज का स्टेशन जिस पे मैं कर रहा हूँ वेट अपनी गाड़ी का। तो दोस्तों, चलो आपको एक इन्फॉर्मेशन कहानी थी जिसके बारे में मैं थोड़ा सा बात करने लग गया था। तो चलिए जुड़े रहिए। हेलो गोलू, देखिए इस पे, देखिए यहाँ पे मेंशन किया होता है, तो जब कभी भी आप कभी स्टेशन पे खड़े हो तो उस टाइम पे आप थोड़ा ध्यान रखिए कि जो ये पोल होते हैं ना, इन चीजों से थोड़ा बच के रहा करिए, क्योंकि बहुत होते हैं ना, देखा होगा आपने पोल पे फोटो क्लिक कराते हैं तो उन पे आपको देखिए सामने से 25,000 वोल्ट की जो लाइट होती है, और दोस्तों बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है जब कभी, आपको पता है कि छोड़ बिजली किसी को नहीं छोड़ती। ठीक है, तो आपको मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पे 25,000 की वोल्ट जो बैटरी होगी ये 25,000 की है, जब कभी बारिश होती है तो इस ट्रैक पे भी चलना अलाउ नहीं होता। तो हम लोगों को भी, और या आप लोगों को भी ये इन्फॉर्मेशन दे दूं, तो प्लीज अपना पोल वगैरह से दूर रहा करें, क्योंकि अभी लास्ट टाइम पे एक ऐसी इलेक्ट्रिकल का काम चल रहा था, तो पूरी की पूरी जो गैंग मैन जो काम कर रहे थे बेचारे सब जल गए, तो बहुत दुख हुआ ये सब कुछ सुन के यार, और अच्छा भी लगता है, और किसी के साथ ऐसा हादसा होता है, खासकर जो रेल प्रेमी हो, रेल का में ही वर्क करता हो, क्योंकि मोस्टली केसेस में सब कहते हैं यार रेल वाला है वो जानता होगा सब कुछ। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जब टाइम खराब होता है तो सब कुछ ऐसे ही है। तो मैं हूँ अभी एक स्टेशन पे अमन, जहाँ से हमको लेके गाड़ी लेके जाना आगे, तो गाड़ियाँ जो फंसी हैं हमारी बंचिंग में फंसी हैं, साइन ऑन हमारा करवा दिया गया था और स्पेयर भेज दिया गया था कि आपको एक जगह से गाड़ी उठानी है और आगे लेके जानी है डेस्टिनेशन पॉइंट तक। तो मैं आपको एक एक इन्फॉर्मेशन और देता हूँ, आप सबने ये बोर्ड देखा होगा जो आपको सिग्मा बोर्ड की तरह होता है। ठीक है, जैसा सिग्मा का साइन होता है वैसे ही ये साइन होता है। ठीक है, ये दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है जब कभी भी सिग्नल, जैसे वो सिग्नल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये जो दो सिग्नल दिख रहे हैं ये गाड़ी की वजह से नहीं दिख रहे होंगे, इसके जस्ट पीछे दो सिग्नल जिस पे आर्म लग रही है इसको बोलते हैं लूनर। ठीक है, जिस पे आर्म से हमको जैसे किधर मुड़ना है, किस साइड में गाड़ी जानी है, ये साइड में आर्म लग के आती है कि आपको जैसे कोई भी जैसे जंक्शन स्टेशन होता है वहां से गाड़ी चेंज होती है ना, वही चीजें इसमें शो होती है। तो मैं आपको ये बता रहा था, तो ये सिग्मा बोर्ड के बारे में, तो ये सिग्मा बोर्ड हमेशा दो खंबे पहले लगाया जाता है ताकि ड्राइवर को पता लग सके कि आगे हमारा सिग्नल आने वाला है, अपनी गाड़ी को कंट्रोल करें और उसके अकॉर्डिंग ही अपना वर्किंग करें, क्योंकि जब कभी स्टार्टर वगैरह आता है और गाड़ी में जब हम, इसका प्रोसीजर होता है पूरा कि दो पीला, एक पीला और उसके बाद में लाल। ठीक है, ये सिग्नल के होते हैं, जब कभी दो पीले सिग्नल मिल, देखिए आप लोगों ने अनाउंसमेंट सुनी होगी, एक अनाउंसमेंट यहाँ पे आई थी कि गार्ड साहब ने जो है वो, देखिए वहाँ पे एक वाइट वाइट पट्टी पड़ी है बीच लाइन में, तो वहाँ पे
ये गाड़ी की फॉलिंग मार्क होती है, ठीक है। चलिए मैं आपको पीछे चल के दिखाता हूँ फॉलिंग मार्क क्या होता है। आपने कहीं रेलवे स्टेशन पे अपने एक बीच में लाइन पे स्लीपर पड़ा देखा होगा, उस पर लिखा होता है FM, ठीक है। इसको मैं आपको आगे दिखाऊंगा, तो वीडियो में जुड़े रहिए। ट्वेल्थ के बाद ITI करके एक ही साथ नहीं करेंगे। बिल्कुल अमन, आप एक साथ ही ITI करिए। मेरा भी यही कहना है आपसे कि जब 10th कर लो, 10th के साथ साथ ही आप ITI डाल दीजिए, ठीक है। 10th की होगी जितने में आपकी 12th होगी, इतने में ही आपकी ITI भी कंप्लीट हो जाएगी। तो जैसे ही आपकी ITI कंप्लीट होगी, वैसे ही आप 12th में भी पास आउट हो जाओगे, ठीक है। तो वैसे कोई टेंशन नहीं होती, बिल्कुल इक्वलिटी ही पढ़ाई होती है। कोशिश करिएगा कि आप अपनी जो ट्रेड रखे हैं वो फिटर या इलेक्ट्रिशियन रखें, क्योंकि तो इनकी जॉब आती रहती है। और इलेक्ट्रिशियन का तो इलेक्ट्रिक का ही जमाना है यार आजकल। हम इस चीज को बहुत ज्यादा वो है कि जो इलेक्ट्रिकल में, ठीक है, तो इसको ध्यान रखें आप। बोलो, कुछ चीजें ऐसे होती हैं जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, तो उसके लिए सॉरी। देखिए, वो गाड़ी का फॉलिंग वो क्लियर नहीं था, इसलिए इस गाड़ी को आगे करा जा रहा। तो ये गार्ड साहब बताएंगे इनको आगे, तो मैं आपको दिखाने चल रहा हूँ पीछे। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा, आपकी 12th जो होगी रेगुलर होगी, और या ITI जो होगी वो प्राइवेट किसी इंस्टीट्यूट से होगी, ठीक है। तो इसलिए कोई टेंशन नहीं होगी आपके, लेकिन कोई भी चीज ध्यान रखिएगा, दोनों गवर्नमेंट से मत करना। गोलू, मैं शहर से नहीं, मैं इंडिया से हूँ, ठीक है। तो आप प्लीज, कुछ चीज ऐसी होती है जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता गोलू, तो आई एम सॉरी उसके लिए। बाकी मैं आपका जितने भी डाउट्स होते हैं उतना क्लियर करने की कोशिश करूँ। देखिए, गार्ड साहब जा रहे हैं जो अपने सिग्नल का चार्ज लेंगे और यहाँ पे गाड़ी चेंज हो गई। ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा था फॉलिंग मार्क। ये देखिए, यहाँ की गार्ड साहब है जो लेडीज गार्ड है, उनके लिए शुरू करते हैं। देखिए, FM लिखा हुआ है इस सिग्नल को, इस गाड़ी को इसके अंदर खड़ा होना चाहिए, तभी जाके फॉलिंग मार्क क्लियर माना जाता है। तो ये जो FM लिखा हुआ है जिस पे, इसी को बोलते हैं फॉलिंग मार्क। नहीं बोलूं, मैं अभी गुड्स पे वर्किंग करता हूँ। पैसेंजर ट्रेन मेरी जब कभी स्पेशल ड्यूटी होती है तब लगाई जाती है, तब उसको हमें लेके जाना पड़ता आगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे लाइनिंग काम चल रहा है और कुछ OHE वगैरह के काम चल रहा है यहाँ पे, तो उसी के रिगार्डिंग हम बैठे हैं। ITI और 12th दोनों प्राइवेट से करूँ? नहीं, आपको एक 12th जो आप गवर्नमेंट से कर रहे हो, आप जैसा आपका मन करे उसके हिसाब से कर सकते हो, लेकिन दोनों गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए, प्राइवेट चल जाती है, ठीक है। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे अमन, तो उस टाइम पे आपको ये दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो वो पूछते हैं कि आपने दोनों चीज गवर्नमेंट से कैसे कर ली, वो जो कि पॉसिबल नहीं है, और इलीगली भी नहीं होता है, इनलीगल होता है ये। तो दोनों गवर्नमेंट में, क्योंकि गवर्नमेंट में ये होता है कि आपको डेली जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए कोशिश ये करें। तो कोशिश आपकी ये रहेगी कि आपको एक गवर्नमेंट से करनी है, एक प्राइवेट से। अब ठीक है अमन, वॉइस ठीक आ रही है? देखिए, अभी तो गाड़ी का कुछ पता नहीं है। अभी हमें बोल दिया गया कि आपको आना है पीछे और जाना है यहाँ से स्पेयर, और वहाँ पे गाड़ी आएगी मेन लाइन में, ठीक है। तो हम लोग अभी खड़े हुए हैं अपने स्टेशन पे, और इसीलिए ही मैं ऑन करने के बाद गाड़ी वर्किंग करते टाइम पे मैं वीडियो नहीं बनाता, ना कि कभी लाइव आता हूँ। जो मोस्टली केसेस में गाड़ी खड़ी रहती है, या फिर जब कभी भी गाड़ी कहीं डेस्टिनेशन पॉइंट पर पहुंच जाती है, तो उस टाइम पे मैं वीडियो क्रिएट करता हूँ। तो अमन, मैं आपको बता रहा था कि दोनों गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है।
आईटीआई और डिप्लोमा, आईटीआई और 12th दोनों एक साथ अगर गवर्नमेंट से करोगे तो वो इनलीगल कहलाता है, तो इस चीज को आप ध्यान रखें, एक प्राइवेट और एक गवर्नमेंट चल जाएगा। चाहे आईटीआई अगर आप कर रहे हो गवर्नमेंट से तो प्राइवेट आई 12th चल जाएगी, 12th अगर कर रहे हो तो आईटीआई चल जाएगी, ठीक है। तो जब कभी आप 10th में फॉर्म फिल कर दीजिए, अभी जून जून जुलाई में अभी भी फॉर्म आ जाएंगे आईटीआई के, तो आप फॉर्म फिल कर दीजिए। जैसे ही आप 11th में होंगे तो आपकी फर्स्ट ईयर कम्प्लीट हो जाएगी, 12th में आएंगे तो दो सेकेंड ईयर कम्प्लीट हो जाएगी, ठीक है। देवेश जी, मैं इन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, हमें रिस्ट्रिक्शन रही होती हैं, तो मैं आपको ये चीज़ नहीं कर क्लियर कर सकता हूँ कि मैं किस स्टेशन पे हूँ, लेकिन ये एक स्टेशन है जहाँ से हमको गाड़ी लेके जानी है, ये इसका एंडिंग पॉइंट वाली है। अभी जुकाम चल रहा है इस पर, और बाकी वो यार्ड है इसका जहाँ पे वो गाड़ियाँ एक्स्ट्रा खड़ी हुई हैं, तो ये हमारा एक स्टेशन है, ठीक है। बिल्कुल गोलू, बहुत अच्छी बात है, बरेली से हैं, झुमका सिटी जिसको बोला जाता है। काफी दिन हो गए थे मुझे बात कर रहे हुए आप लोगों से भी, और वैसे भी मैं नहीं पता, मेरी YouTube फैमिली के लिए मैं हमेशा लाइव कोशिश करता हूँ जितना ज्यादा हो सके एक्सप्लेन करने की, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो आप लोग भी समझा करिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका मैं आंसर नहीं कर पाता, तो उसके लिए मुझे भी बुरा लगता है। तो और बाकी आपकी क्वेरी मेरे जे मेरे मैं कहाँ से हूँ कहाँ का नहीं हूँ, ये चीज जानने से ज्यादा आपको मोटिवेट करना जरूरी है, और आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से रखिए, ठीक है। बस मेरा बस यही कहना कि वैकेंसीज बहुत कम आती हैं, आप वैसे ही अच्छे से देख रहे हो, गवर्नमेंट वैकेंसी बिल्कुल खत्म होती जा रही है, तो जब भी आपको मौका मिले अपनी तैयारी करें, और तैयारी करके अपना ड्रीम जॉब पूरा करें, जैसे कि हम लोग वर्क कर रहे हैं कि 12th पास करने के बाद अगर आपसे आपको 50-60 हज़ार की सैलरी गवर्नमेंट वो भी मिल जाती है तो सच कोई नहीं है, ठीक है। दोनों अलग अलग करने ठीक है, बट मेरा सवाल है दोनों कॉलेज में जाना पड़ेगा फिर ही इस तरह होगा। देखिए कुछ कॉलेज ऐसी होती है आईटीआई की जिसमें जाना इतना लीगली नहीं होता, कंपलसरी नहीं होता, वो आपके आसपास के एरिया की बात होती है, ठीक है। और वो आपके स्कूल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो स्कूल आपको, देखिए आप कहीं जाएंगे तो पढ़ोगे, ऐसा तो है नहीं कि आप कहीं जाओगे तो आपको पढ़ना नहीं है, वो आपके अगर एज 18 साल से कम है और आप 12th 15 साल में ही पास कर चुके हो, तो आप जब तक 18 साल के हो गए तब तक आप 17 साल के हो गए, ठीक है। 17 साल के हो गए तब तक आपकी 12th क्लियर हो जाएगी, तो आप तब भी कर सकते हो अमन, ठीक है। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखें, जैसे मेरा था मैंने 15 साल में 10th कर ली थी, उसके बाद 12th करी, उसके बाद मैंने डिप्लोमा किया, तब मैंने आईटीआई करी, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा ड्यू टू गाइडेंस की कमी होने के कारण ये सब कुछ थोड़ा लंबा प्रोसेस हो गया, लेकिन आज मैं अपनी जिस जगह खड़ा हूँ वो सेटिस्फाई हूँ मैं अपनी जॉब से, ठीक है। लेकिन आप मैं जो मेरे छोटे भाई हैं या छोटे मेरे दोस्त वगैरह साथ के हैं उनको मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज 10th के बाद वह आईटीआई जरूर कर ले, चाहे किसी भी फील्ड से हो, ठीक है। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखें, ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सही टाइम पे सही गाइडेंस मिल जाना जो कि बहुत कम ही होता है, क्योंकि गलत तो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन दे देगा। सर इसमें पैसेंजर ट्रेन नहीं आती, बिल्कुल आती है, अभी पैसेंजर ट्रेन की जगह आपको मेल पैसेंजर सब दिखाएंगे, मेल लाइन की ये लॉबी है, इसमें गाड़ियां आगे बंचिंग में जाती हैं, आगे कहीं इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, तो ठीक है। तो अभी फिलहाल तो मैं खड़ा हूँ, तो अभी फिलहाल एक गाड़ी गई थी आपके सामने जब मैंने स्टार्टिंग वीडियो की थी, तो आप और बाकी जब ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, आप लोगों की प्यार से ही हम भी आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल रेलवे प्राइवेट में हो रहा है, देखिए ये सब कुछ जो लाइन आपको दिख रही होंगी ये सब कुछ पहले नहीं थी, ये सब कुछ प्राइवेट में हो रहा है सब कुछ टोटल, वो देखिए वहाँ काम भी चल रहा है, और ये देखिए यहाँ पे काम भी चल रहा है इसका, तो ये लाइन वगैरह जुड़ती जाएंगी, रेलवे प्राइवेट होती जा रही है मोस्टली किस में, इसलिए वैकेंसी खत्म होती जा रही है। ये देखिए जो हमारे ग्रुप डी के जो भाई जा रहे हैं, ठीक है, तब और बाकी ये ठेकेदार के बंदे हैं जो कि वर्क कर रहे हैं लेबरिंग का, ठीक है। तो रेलवे प्राइवेट होती जा रही है, थैंक यू सो मच हार्डकोर ट्रेन लवर। ये देखिए कि सामने से एक गाड़ी आ रही है, आपको हॉर्न भी सुनाई दे रहा होगा, चलिए एक चीज और बताता हूँ आपको, जब कभी भी हमारी गाड़ी में व्हील स्लिप आने लगता है तो ये जो रेत के कट्टे रखे हुए हैं वो इसलिए रखे हुए हैं, ठीक है, हर स्टेशन पे रखे जाते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि रेलवे प्राइवेट अब एलपीपी प्राइवेट हो जाएगा, वो बात की बात है, अभी मैं कुछ कह नहीं सकता, अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ है, और बाकी आप प्राइवेट हो या गवर्नमेंट कोई भी चीज हो,
गवर्नमेंट से जुड़ी हुई प्राइवेट चीजें चेंज हो सकती है, लेकिन ये जो जॉब है वो चेंज नहीं हो सकती थी, क्योंकि ये सिक्योरिटी पर्पस की जॉब है। किसी भी बंदे को बैठा नहीं सकते इसमें, पहले आपको तैयारी करवाई जाती है तब जाके। तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा था रेता की, ठीक है? तो ये देखिए रेत होती है, तो इस रेत को गाड़ी के सैंड बॉक्स में भरा जाता है, ठीक है? जो आपको सैंड बॉक्स, मैंने और वीडियो में दिखाया होगा कि इंजन में जो सैंड बॉक्स लगा रहता है उसके अंदर ये रेता भरा जाता है। जब कभी भी गाड़ी जब पहिया फिसलने लगता है तो इस गाड़ी को पे जैसे ये जा रहे हैं, देखिए ये चीज कभी ना करे, ठीक है? मेन लाइन में ये चीज, ये अपनी जान से खेलना है, लेकिन क्या करें, जब आदमी को ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है तो ये सब कुछ हो जाती है। सर ट्रेन के उत्तर और अनुदर काम के लिए टेंडर निकलता है, बिल्कुल हार्दिक, टेंडर जरूर मिलता है और टेंडर में ही काम भी होते हैं काफी। तो ये तो आपको इन्फॉर्मेशन मैंने क्लियर कर दी कि जो रेता है वो आपको सैंडबॉक्स में भरा जाएगा, और जब कभी फ्रिक्शन नहीं बन पाता है, देखिए सामने से गाड़ी आ रही है इलेक्ट्रिक गाड़ी, आपको देखिए मेल बोल रहे थे ना कि आपको गाड़ी नहीं दिखाई देगी, तो आप एक मेल एक्सप्रेस आ गई है, ये पैसेंजर गाड़ी है, यहाँ से जा रही है। तो जब कभी पटरी पे जब पहिया फिसलने लगता है तो उसको फ्रिक्शन बनाने के लिए इस रेता डाला जाता है, ताकि ये गाड़ी का पहिया आगे बढ़ सके और गाड़ी को आगे मूवमेंट कर सके। चलिए, जब तक आप इजी एंजॉय ये अपनी गाड़ी का, तो ये आ गई हमारी एक एक्सप्रेस ट्रेन, और बाकी जितनी भी आपकी क्वेरीज हैं प्लीज चैनल पे मैं पोस्ट करता रहता हूँ हमेशा, और ज्यादातर मोस्टली केसेस में आपको अपडेट देते रहता हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सर अपना। देखो अमन, मैं आपको सीधा क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि मोस्ट आपका टाइम अगर आपके पास कम है और आप अपनी एक अच्छी जॉब, ड्रीम जॉब जो है, पता लगा कि आपने 12th करोगे, 12th करने के बाद में आईटीआई करोगे और फिर उसके बाद वैकेंसी नहीं आई या उससे पहले वैकेंसी निकल गई, तो आपको फिर क्या करोगे, ठीक है? तो अगर 10th कर रहे हो, 10th के साथ ही प्राइवेट आईटीआई डाल दीजिए, जिसमें स्कूल में अगर जाना ना पड़े, ठीक है? नहीं तो फिर वही आपके पास ऑप्शन है सीधा कि 12th करो, 12th के बाद में आईटीआई करो, ठीक है? तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिए आप। तो ये है, ये पता नहीं आज डाइवर्टेड होके चल रही है गाड़ियां, तो मैं आपको बता दूं, ये है फिरोजपुर से शिवानी सिवनी, तो ये है एक्सप्रेस ट्रेन जो आज गाड़ियां डाइवर्टेड होके चलाई जा रही है, क्योंकि आपको पता ही है कि आंदोलन वगैरह चल रहे हैं, तो उसकी इससे काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। ठीक है मन, तो ये आपका पर्सनली होना चाहिए डिसीजन कि आपको क्या करना है, मैं सिर्फ गाइड कर सकता हूँ, करना आपको ही आगे, ठीक है? चलिए, आपको अभी गाड़ी निकलने दीजिए, फिर एक और इन्फॉर्मेशन हो बताता हूँ। हेलो शकील, देखिए शकील, मैंने अभी आपको इन्फॉर्मेशन, देखिए शकील, मेरा आप कहाँ से हूँ ये बताना आपको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना जान लीजिए मैं हूँ भारतीय रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट और हम ट्रेन चलाते हैं।
देखिए आपको एक नई चीज दिखाता हूँ। ये स्टार्टर जो है, देखिए बीच मेन स्टेशन पे, ठीक है, मेन लाइन के स्टेशन पे लगा हुआ है, जिसको आगे अपडेट किया जा रहा है। आईटीआई मिल जाएंगे तो फिर कैसे सीखेंगे टेक्निकल चीज। बिल्कुल ये बात आपकी सही है, इसलिए ही मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि कोशिश करिए कि आईटीआई ऐसी स्कूल से करिए जिसमें जाना ना पड़े। अगर जाना है वो आपके ऊपर डिसीजन कर देना पड़ेगा कि आपको 12th भी मैनेज करके चलनी है, क्योंकि महीने में 15 दिन आप उसको संभालिए, 15 दिन आप उसको संभालिए, ठीक है। उससे आपके दोनों चीजें पूरी हो जाएंगी और आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, क्योंकि मैथ्स वगैरह सब कुछ सेम ही आती है उसके अंदर, और इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है इस आईटीआई करने में। और बाकी जैसे 12th के बाद करोगे या 12th के बाद करोगे आप, तो आपको क्लियर और अच्छा हो जाएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना दोनों चीज़ें एक साथ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। जो चीज़ आपके लिए कम टाइम में हो जानी चाहिए, वो चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी कि 12th के बाद में आप, 10th के बाद में आप आईटीआई कर सकते हैं। हाय संदीप, कैसे हैं? मैं तो दोस्तों रेलवे में वैकेंसीज इस टाइम पे तो अभी फिलहाल कुछ कुछ वैकेंसीज ऐसी हैं जो आ गई हैं। संदीप मेरा, देखिए मैं आपको एक चीज और दिखा दूं, गार्ड साहब का हो गया सिग्नल का डिपार्चर, ये पैसेंजर में हर गार्ड का होता है, और यही ड्रीम जॉब होती है, मेल गाड़ी है ये जिसमें आपको ये गाड़ी चला दी गई है। देखिए इसका ये देखिए, एक नया यहाँ पे एक वो लगाया है डिजिटल मीटर, जिसपे गाड़ियों को बताया जाएगा, ठीक है, जिसमें गाड़ी के रूट 9 वगैरह आएंगे। और बाकी देखिए आपको एक इन्फॉर्मेशन दूँ, तो ये देखिए 15 दिन आईटीआई के, 15 दिन 12th, थैंक यू सो मच, ठीक है भाई। तो आप, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है अमन, ठीक है, 15 15 दिन में आप वो कैसे आपको क्लियर करना, दोनों चीज़ आपकी क्लियर भी होनी चाहिए, ठीक है। ये देखिए सामने ये दिखा हुआ है, सामने TL ML, तो ML का मतलब होता है, ये होता है ट्रांसफर लाइन, जिसको TL बोला जाता है, और इस पे लिखा हुआ ML मतलब मेन लाइन। तो जब कभी सिग्नल मेन लाइन में गाड़ी जानी होगी तो ML जलेगा और सिग्नल डाउन होगा, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिए। बिल्कुल संदीप, मैंने पैसेंजर गाड़ी भी चलाई है और मेल गाड़ी भी चलाई है, लेकिन जब कभी हमें स्पेशल ड्यूटी जब हमारी कभी नहीं लगती है, या फिर जब कभी असिस्टेंट नहीं होते हैं, तब गाड़ी हमारी लगाई जाती है, प्रमोशन के हिसाब से हमारा नंबर लगता है, ठीक है। चलिए और आपको दिखाता हूँ, एक WDM 3 है जो कि मार रहा है हॉर्न, और जो अच्छा लगता है काफी वो हो रहा है, शंटिंग इंजन है वो, तो शंटिंग चल रही है वहां पे। भाई अगर अमन हर साल वैकेंसी आ जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, इतनी वैकेंसी जो हमारे बंदे हैं, मतलब जो हमारे जब सिलेक्शन हुआ था तो उनको तो भेज दिया गया, ठीक है। जब तक चलिए आप अपना एंजॉय करिए, एक शंटिंग इंजन को जा रहा है जो आपके सामने है, तो इसकी छुक छुक की साउंड तो आपने देखी होगी काफी बार। ये देखिए बड़ा मजा आता है यार, कॉम्पैक्ट इंजन है, बहुत अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, और पहले यही था, अब इसका मल्टीपल बनाया जा रहा है, जो कि अमन आपका फेवरेट है WDM 3, उससे पहले सॉरी एक भाई अमन और जुड़ा था, उसका भी बहुत फेवरेट था, उसको कपल इंजन देखना बहुत पसंद था, उसको मैंने वो ड्रीम जरूर किया था। बिल्कुल जी, सबसे ज्यादा मस्त भी है, उससे अच्छा है WDG 4G, जो कि आप जानते होंगे जिसके बारे में, जो कि गुड्स के लिए वरदान है। ड्राइवर के अगर 10 साल की 10 घंटे की भी अगर ड्यूटी हो रही होगी तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है उसके अंदर, ठीक है। तो ये देखिए कुछ गाड़ियां खड़ी हुई हैं सामने, दिखाई दे रहा होगा आपको, 30 341 WAP 7, ठीक
है पैसेंजर का, जिसका रंग चेंज करता है। देखिए दोस्तों, आप एक चीज बताइए, चलो अभी आप लोग देखते होंगे LHB कोच वगैरह, या पहले की गाड़ी आपने पुराने टाइम पे देखी होंगी तो ब्लू कलर की गाड़ी होती थी, अब हो गई है रेड कलर की गाड़ी, तो आपको कौन सी अच्छी लगती थी सच बताइएगा। मेरा मानना यह है कि जो गाड़ी पहले जब ब्लू कलर की चलती थी तो उस टाइम पे भारतीय रेल, जैसे मैन इन ब्लू, जो कि हमारी इंडिया का स्लोगन भी हो जाता है कि हमारे जैसे मैन इन ब्लू बोलते हैं हमें भारत में, ठीक है, तो इस चीज को देख के बहुत अजीब सा लगता है ये जो रेड कलर की गाड़ी। हालांकि कोचेस अच्छे लगते हैं, लेकिन जब ये थोड़ा सा अटपटा हो जाता है, वॉशिंग करने में बहुत दिक्कत है, उसका पेंट और उसका पेंट में बहुत अंतर हो जाता है, काफी सारी चीजें चेंज हो गई है। और ये है DMT गाड़ी, जो मटेरियल जो आपको गिट्टी दिखाई दे रही है, जो गिट्टी गिट्टी वगैरह पड़ी रहती है, तो वो इस गाड़ी से ही डाली जाती है। देखिए इसमें कैसे कोन वगैरह बने हुआ, और ये कैसे हर डिब्बे या पूरा के पूरी गाड़ी है, देखिए आगे तक है पूरा। तो ये होती है DMT गाड़ी। बोल रहे हैं कि रनिंग रूम में पेरेंट्स जा सकते हैं, मेरा फेवरेट है WFT 7। ओके अमन, रनिंग रूम में पेरेंट्स लोग नहीं जा सकते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूं, जो भी आपको बता रहा है वो बहुत गलत बता रहा है। घूमने के पर्पज पर देखो, आप कहीं भी ले जाओ वो एक अलग चीज है। रेलवे में आपको पता ही है कि कुछ लोग बाग जो है लाइन से जा रहे हैं, कुत्ते दौड़ रहे हैं, और जैसे मेट्रो वगैरह जो होती है इनमें कम से कम ये टेंशन नहीं है, वो आपको पता ही होगा वहाँ पे कि मेट्रो वगैरह सब कुछ चारों तरफ से बंद होती है, सील्ड होती है, वो ऐसी ही नहीं होगी। तो ये देखिए अभी तो यहाँ पे लाइन बिछ रही है, ये लाइन का काम चल रहा है, ये देखिए आगे सीमेंटेड हो रहा है ना, तो ये भी लाइन बिछी जा रही है, ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, अभी प्लेटफॉर्म स्टार्ट नहीं है। ये देखिए एक आगे सामने ग्रीन वाला इंजन, पता ही होगा आप सबको, बताइए कमेंट करके कौन सी है। अमन मेरी प्रमोशन हो चुकी है, मैं सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट हूँ भारतीय रेलवे में, ठीक है, और उसके बाद प्रमोशन जो होगी वो होगी सेंटर के लिए, जो कि वैकेंसी जैसे होती है उसके हिसाब से सेंटर बनाए जाते हैं, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से आपको सेंटर बनाया जाता है। ये देखिए इसको पावर को कर दिया बंद। डीजल इंजन और इलेक्ट्रिक इंजन में डिफरेंस यही होता है कि हम इलेक्ट्रिक इंजन को कभी बंद कर सकते हैं, कभी भी चालू कर सकते हैं। डीजल इंजन को मोस्टली केसेस में होता है कि इस बंद कर दिया जाए, कम करते हैं, ठीक है, बिल्कुल राइट, WAG 9HC। तो ये देखिए अभी तो ये इसको बंद करा गया, शायद हो सकता है पीछे शंट एक कैप चेंज करने जा रहे हैं और दोबारा से एनराइज करके इसको आगे ले जाया जाएगा। और ये देखिए लोड स्टेबल, जैसे एक वीडियो मैंने बनाई थी लोड स्टेबल क्या होता है, तो ये जो गुटके और चैन लगे हुए हैं ये लोड स्टेबल कहलाते हैं, यही काम होता है पॉइंट्स मैन का, ठीक है। ये देखिए पेंट उठ गया ऊपर, अभी ये होगा एनर्जाइज, इसको एनर्जाइज करने के बाद में ये जाएगा। SP, बिल्कुल 6000 HP के ना, ये काजी पेट का इंजन है, देखो लिखा भी होगा, ऐसे ही हर गाड़ी हर ट्रेन का नंबर होता है, और यही चीज हमें बता दी जाती है कि आपको आगे गाड़ी लेके जानी है। ये देखिए, देखिए डीजल इंजन और इलेक्ट्रिक इंजन में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है। देखिए वो चलता है तो उसका अलग मजा है, उसमें नॉचअप करने में इतना अच्छा लगता है जैसे गाड़ी में गियर चेंज करते हैं वैसे ही इसमें। और इलेक्ट्रिक इंजन में क्या है, एक थ्रॉटल होता है जिसको आगे और पीछे करके ट्रैक्शन लिया जाता है और ब्रेकिंग करी जाती है, ठीक है, ये देखिए। और यही चीज अगर इलेक्ट्रिक इंजन चलता तो बिल्कुल धुआं निकलती और मजा आता उसको देखने में। तो डीजल इंजन मेरा पर्सनली फेवरेट है, और अच्छा भी लगता है और सुंदर भी लगता है। तो ये है यहाँ का कुछ यार्ड जिसमें ये गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, ज़्यादातर ये गार्ड खाली रहता है, और ये यार्ड की यही खासियत है। तो अभी जब ये वर्किंग पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो आपको पता ही है फिर तो लोड वगैरह किस हिसाब से आने लगेंगे। तो लोड स्टेबल हो, और बाकी आपकी क्वेरी बता दीजिए, जितना कोशिश होगा मैं आप लोगों के साथ में जुड़ा रहता हूँ। अभी फिलहाल जब तक गाड़ी नहीं होती जब तक हम लोग यहाँ पे मौज करते हैं, आप लोगों के साथ बात करते हैं, इंजॉय करते हैं। नहीं संदीप, अभी खाना नहीं खाया था, सुबह नाश्ता करके मैं आ गया था साइन ऑन करने के लिए, 10-15 मैंने साइन ऑन कर लिया, और यहाँ से मेरी ड्यूटी होती है स्टार्ट। हो सकता है अगर गाड़ी नहीं आई तो यार्ड ऑफ भी कर दिया जाए। यार्ड ऑफ एक ऐसी चीज होती है जब कभी गाड़ी आ जाती है सिग्नल के अंदर यार्ड में, जैसे कि ठीक है, उसके बाद में सिग्नल नहीं मिलता है और या गाड़ी आगे जाने के लिए लाइन के लिए नहीं मिल पाता और गाड़ी को हमें यहीं छोड़ना पड़ता है, वो मिनिमम 4 घंटे में होने चाहिए ड्यूटी के, तो उसमें आपको यार्ड ऑफ कर दिया जाता है। स्टेशन मास्टर बोलता है कि गाड़ी को यहीं बंद कर दीजिए और गाड़ी आपका
आगे नहीं जाएगा, तो उससे बोलते हैं यार्ड ऑफ। उसके जब कभी हम लोग लाइन पे आते हैं काम करने के लिए, तो हमको 120 किलोमीटर मिलते हैं जब कभी हम गाड़ी चार्ज लेते हैं। और गाड़ी एक स्टेशन से, चाहे एक स्टेशन चल जाए, मतलब एक जहाँ से हमने उठाई है वहां से एक स्टेशन जानी चाहिए, हमको 120 किलोमीटर मिल जाते हैं। और अगर गाड़ी नहीं चली है तो हमको मिलता वेटिंग, जो 15 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, जो अगर 4 घंटे तो 60 किलोमीटर ड्यूटी हुई, जो कि हमारे जो किलोमीटर होते हैं वो उन्हीं से ही सैलरी अच्छी बनती है। ठीक है, एएलपी ड्यूटी व्लॉग भी बनाया करें। संदीप, मैं बिल्कुल आपकी ये डिमांड पूरी करने की कोशिश करूंगा, लेकिन भाई टाइम बहुत कम मिलता है। ज्यादातर ये कोशिश रहती है कि लाइव अगर आ जाते हैं तो आपके डाउट्स क्लियर रहते हैं, आपसे लाइव बात हो जाती है, क्योंकि आपको पता है शॉर्ट्स वीडियो का जो इंस्पिरेशन है वो नहीं जा पाता। और आप लोग सब्सक्राइब तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद में वो नोटिफिकेशन आपको उसकी नहीं जाती है। ठीक है, क्यों निजुमल, मैं इतनी ऊंचाई पे खड़ा हूँ, आपको डरने की चिंता नहीं है, मैं हूँ प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, ये स्टेशन का प्लेटफॉर्म है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपना आराम से, ये ब्रिज है इसका, कोई दिक्कत की बात नहीं है इस पे। ठीक है, तो आप टेंशन ना लीजिए। हेडक्वार्टर किसको बोलते हैं? हेडक्वार्टर जो होता है जहाँ से हमें अभी यहाँ भेजा गया है, और वापस हम जब गाड़ी काम करने के बाद हम अपने हेडक्वार्टर जाएंगे, जहाँ मेरी लॉबी है उसको हेडक्वार्टर बोलते हैं। वहां पे जब मैं ऑफ करूंगा तो मुझे मिलेगा 16 घंटे का रेस्ट, और यहाँ पे अगर मैं ऑफ करूंगा तो हमें मिलेगा, जैसे मेरी गाड़ी का वर्किंग होगी, अब मिनिमम रेलवे के द्वारा अपडेट किया गया है, 6 घंटे मिनिमम आपको रेस्ट मिलेगा। चाहे आपकी गाड़ी ड्यूटी 4 घंटे से ऊपर होगी तो आपको 6 घंटे का रेस्ट मिलेगा। ठीक है, ओटी अभी दोस्तों इस कुछ दिनों से ही, या पिछले कुछ महीने से ही हमको अपडेट किया गया, और एक लेटर आ गया जिसमें ओटी आपको दिया जाएगा। हमारे सीएमएस पे ओटी चार्ज होगा 15 दिन या 107 घंटे, इसके 115 घंटे होने चाहिए मिनिमम, 15 घंटे के अंदर में तो आपको ओटी चार्ज लगेगा। ठीक है, अभी हमारा ओटी नहीं बना है अभी, और अभी तक मैंने भी ट्राई नहीं किया कि ओटी क्रिएट हो, क्योंकि यार जितना मिल जाए उतना ठीक है, ज्यादा भागे दौड़ी करोगे आपको शरीर है यार सब साथ छोड़ देता है। ठीक है, पैसा भी इतना कमाना चाहिए ताकि खर्च भी कर सको, और बाकी उड़ाने को तो यार कितना भी उड़ा सकते हो आप। आपका फेवरेट एनिमल? लाल प्यार नेम नहीं है। अच्छा, आपका फेवरेट है लाल, अच्छा समझ गया। अमन, मेरा फेवरेट इंजन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, मेरा फेवरेट इंजन है WDG 4G। ठीक है, और इलेक्ट्रिक इंजन में WAP 7, जो कि मेरा फेवरेट है, और गुड्स में जब तक वर्किंग कर रहे हैं तब तक, उसके बाद में अगर वर्किंग करते हैं इलेक्ट्रिक में, जैसे डुअल हो जाते हैं या फिर डुअल ट्रैक्शन में काम करते हैं, या फिर मैं इलेक्ट्रिक में चले जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक की ही गाड़ी होंगी उस टाइम, इलेक्ट्रिक गाड़ी मिलेंगी। देखिए मेक वो खड़ा आपको सामने व्हाइट वाला, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा, काफी जूम हो गया, थोड़ा फट गया होगा, तो प्लीज आपको दिखा देता हूँ। एक आगे खड़ा हुआ है उसके WAP, वो भी बहुत मिलता है, बिल्कुल वो मुझे बहुत मिलता है, और 95% वो गाड़ी मिलती ही मिलती है, जो हमारी लाइन है वो मेन लाइन है, और वो गाड़ी बहुत ज्यादा आती है उसके अंदर कंटेनर के साथ में, क्योंकि फिर और गाड़ियों को खींचने में दिक्कत होती है, कंटेनर आपको पता ही है डबल लोडेड वाले आते हैं, तो लोड खींचने के लिए वो, लोड हो या नॉर्मल वर्किंग में हो बहुत अच्छा चलता है। लेकिन हाँ, उससे भी अच्छा है WDM 3A या 3D जो है, आपको जो अभी गया था यहाँ से छोटा वाला, उसकी साउंड बहुत अच्छा है। ठीक है, और शंटिंग में वही काम आता है, उसमें टीवी वगैरह ब्रेकिंग सिस्टम अच्छा है, और बाकी पावर तो काफी खड़ी है यार्ड में, लेकिन अभी यहाँ पे कोई भी नहीं दिखाई दे रही है, जो है वो पीछे हैं, तो इतना जाना यार बहुत काफी दूर हो जाएगा, और गर्मी भी आपको पता ही, गर्मी काफी होने लगी है। ठीक है, तो ये देखिए प्लेटफॉर्म अभी काफी गंदा हो रहा है यार, ये तो काम कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी। हमारे यहाँ सब में, हमारे घर के पास में एक ट्रेन है, अब बताते समय उसकी पटरी सारे स्लीपर बच गया, जो ये नीचे खेत में धंसा हुआ है, रेलवे से क्यों नहीं निकलती? देखिए मैं इन सब चीजों का टेंडर होता है निजमुल, और जो गाड़ी आपने आगे भी देखी होंगी, गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है तो वो गाड़ी यूज नहीं करते हैं, उसके बाद में उसको यूज नहीं किया जाता, ये पता नहीं रेलवे में टेंडेंसी है या उसको अशुभ मानते हैं, पता नहीं, इसके बारे में मुझे भी इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर मैंने भी इतना देखा है जब कभी गाड़ी लाइन पे से उतर जाती है तो उसको यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियर कर दिया होगा मैंने, तो इसलिए चिंता मत करिए, कहीं ये मत कर लेना। हाँ, एक चीज जरूर हो जाती है उसमें,
कि जब कभी अगर आपको अगर रेलवे तो नहीं उठाएगी वहां से, लेकिन आप अगर उठा के ले जाओगे तो आप चोर कहलाओगे, उसमें आरपीएफ आपको उठा सकती है, ठीक है। तो इसलिए रेल की चीजें बहुत सोच समझ के निकालना भाई, अगर लेनी ही है तो अपने हिसाब से, अपनी रिस्क पे। आपके घर चले जाते हैं, हेडक्वार्टर जाते हैं, आपकी फैमिली गवर्नमेंट हाउस में रहती है। देखिए हेडक्वार्टर का मतलब ये होता है आपको मिलता है रनिंग रूम की सुविधा तो होती है हमारे अदर, जहाँ पे हम स्टेशन पे जाते हैं, और जहाँ कई क्वार्टर्स वगैरह होते हैं वो मिलते हैं आपके अकॉर्डिंग, जहाँ पे जगह होती है उस वहाँ पे आपको क्वार्टर भी मिलते हैं जो कि गवर्नमेंट कहलाते हैं, जो आपको पहले के जमानों में देखा होगा या पहले आप आज भी रहते हैं। लेकिन मेरा पर्सनली घर है जो कि मेरे फादर ने बनाया था, बहुत ड्रीम हाउस उनका, तो मैं रहता हूँ अपने फैमिली के साथ, ठीक है। हेलो सत्य शिवम भाई टी, कैसे हैं आप? देखिए दोस्तों फिर से वही क्वेश्चन आया एक शिवम भाई का हमारे, तो मेरा कहाँ हूँ ये होना और कहाँ पे मैं जॉब कर रहा हूँ वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं आपके लिए दिखाने आता हूँ ट्रेन, और मैं आया हूँ आपके साथ लाइफ, आपको इंजॉयमेंट करने के लिए और आपके क्वेश्चनों का आंसर करने के लिए, जो कि बहुत कम ही हो पाता है। आपने भी देखा होगा बहुत जल्दी लाइव आते नहीं है, लुको वालेट सब अपने ब्लॉग वगैरह अब क्रिएट करते हैं और चले जाते हैं। तो ये देखिए अभी यहाँ पे लाइन बन रही है और आगे स्टेशन बिल्डिंग है, तो ये टूटेगी और टूटने के बाद में ये पूरा लाइनें सीधी हो जाएंगी आगे, जो आगे पेड़ दिखाई दे रहा है ये कट जाएगा, ठीक है, ये काटा जाएगा यहाँ से। तो जब ये उसके बाद में कब होगा पता नहीं, घर के पास ही मिलता है आपको? नहीं घर के पास नहीं मिलता है शिवम, नहीं मैं भी न्यू हूँ आपका सब्सक्राइबर हूँ, थैंक यू, लेक्सप्लेन सॉरी, कुछ चीज ऐसी होती है मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता शिवम, थोड़ी मजबूरी होती है हमारी, तो इस चीज के मैंने अपने चैनल पे भी लिख रखा है, जब कभी मैं गाड़ी पे वर्क करता हूँ तो मैं उस टाइम पे वीडियो नहीं बनाता शिवम, ठीक है, तो प्लीज सॉरी ना बोले, और सॉरी मेरी तरफ से है आपको, या और थैंक यू सो मच मेरी यूट्यूब फैमिली में जुड़ने के लिए। WDP 4D, आपका WDP 4D है, बहुत अच्छी बात है, काफी सारी चीजें हैं उसके अंदर, जैसे वो सेंसर जिसमें सेंसर वाला लोकोमोटिव है, ठीक है, वो निजुमल वो चीज WDP आपको असम में बहुत मिलता होगा ज्यादा, क्योंकि वहां पे उसी की डिमांड ज्यादा है, हाई जो अपने ऊपर की चढ़ाई वाले होते हैं वहां पे वो लोगों को ज्यादा चलाया जाता है सेंसर के हिसाब से, तो इसलिए आप लोको पायलट है भाई, बिल्कुल स्टडी मटेरियल, थैंक यू। मैं लोको पायलट हूँ भारतीय रेलवे में और जॉब कर रहा हूँ 2019 से, लगातार अपनी ड्रीम जॉब को एंजॉय कर रहा हूँ और आप लोगों के साथ में हूँ। नहीं भाई मैं ब्लॉग करता हूँ इसलिए पूछा था। ओके शिवम भाई टी, बहुत अच्छी बात है, ब्लॉग करते हैं आप। ये देखिए जो गाड़ी मैं आपको दिखा रहा था वो चल गई है यहाँ से, तो अभी यहाँ पे चल रहा है काम, ये देखिए जो छोटे छोटे क्लैंप लगा के बनाए जा रहे हैं ना पटरी, तो ऐसे पटरियां बनाई जाती है, ठीक है, रेलवे में ये स्लीपर है बड़े, इनको यूज करने के बाद में अपना स्लीपर बनाया जाता है। देखिए आगे खाली है, ये स्लीपर खाली है आगे, और ये स्लीपर भर दिए गए सीमेंटेड। तो दोस्तों होप्सो आप लोग एंजॉय कर रहे होगा आपने आज काफी, और मैंने भी आप लोगों से बात करके आपके जितने भी डाउट्स होंगे उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करी है। ये देखिए दोस्तों मेरा फेवरेट इंजन आ गया है, ये देखिए ये आ रहा है वहां से रेड कलर वाला। सर मैं एक LP से बात किया हूँ, वो बोलते हैं कि आप डिवीजन में गाड़ी अपने डिवीजन में ही गाड़ी चलाते हैं, और मेरा नियर स्टेशन जो है वहाँ के LP बोलते हैं, मेरा ड्रीम गोरखपुर के ही जाते हैं इसके आगे ना। देखिए जब कभी आप जहाँ आपको लॉबी मिलेगी ना दोस्त अमन, जब आप पास हो जाओगे, जब आप रेलवे में सेलेक्ट हो जाओगे तो आपको एक लॉबी मिलेगी, लॉबी का रूट डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी कहाँ तक जाएंगी, ठीक है। बहुत आपने देखा होगा कि आपने काफी गाड़ी आपने जब स्टेशन पे जाते होंगे तो चेंज होते हुए भी देखे होंगे, ठीक है भाई, तैयारी कर रहा हूँ भाई, कुछ हेल्प कर दो। स्टडी मटेरियल बिल्कुल आपकी हेल्प करी जाएगी, बताइए आपको क्या क्वेश्चन है, आपकी क्या क्वेरीज है, मैं कोशिश करूंगा आपको। हमारे यहाँ सिम डिलीवरी में ज्यादातर WDG 4G है, बिल्कुल मैंने आपको बताया था कि WDG 4G उस साइड में असम में ज्यादा चलता है, दिल्ली एरिया में और
दिल्ली एरिया बोलते हैं, या फिर अपना रोजा सेक्शन है, बरेली है, या फिर चंदौसी है, मुरादाबाद है, या फिर इटारसी वगैरह है, इधर की तरफ ज्यादा WDG 4G, ये देखिए सामने दिखाई दे रहा होगा आपको, लाल पीला वाला इंजन मेरा फेवरेट और सबसे बेस्ट इंजन गुड्स में। मैथ्स के लिए टीचर तेजिंदर कुछ भी ठीक नहीं कर, कहा जा कहाँ पर जा रहा है, जियोमेट्री कुछ ठीक नहीं है, कहाँ पर जाते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं, गोरखपुर उनकी लास्ट लॉबी होगी, ठीक है, गोरखपुर वहां की लास्ट लॉबी होगी इसलिए वो आगे नहीं जाते होंगे। नॉर्दर्न में रेल में ज्यादा इलेक्ट्रिक चलते हैं, बिल्कुल चलते हैं यहाँ पे नॉर्दर्न से, आपको देखा होगा आपने बड़ी बड़ी जितनी भी गाड़ियां हैं वो गाड़ियां यहीं से चलती हैं। और ये देखिए एक लोड आया है पीछे से, हो सकता है शायद मेरा लोड हो या मेरी गाड़ी आ गई हो, तो मुझे जाना पड़ेगा, तो जब तक मुझे अभी फोन नहीं आया तब तक मैं आप लोगों के साथ में बात कर रहा हूँ, उसके बाद में मैं जाऊंगा अपनी गाड़ी पे, क्योंकि तो हमें अभी बताया था कि आपको जाना आगे गाड़ी लेके, तो अभी देखिए पीछे स्टार्टर पे खड़ी गाड़ी, इसको ये आगे लेके आएंगे शायद। हाँ दोस्तों ये गाड़ी हमारी ही है, चलिए आगे चलेंगे और मैं आपको वीडियो बना के बाद में मिलूंगा। चलिए दोस्तों मेरी हो गई, लाइव रही है गाड़ी, शाम को अब तो इसी का मजा आएगा। थैंक यू सो मच संदीप, आपको पता है इसका मतलब, तो हम करेंगे एंजॉय आज अपनी WDG 4G, क्योंकि यार मेरा ये देखिए हॉर्न, उसका बड़ा मजा आता है यार इसका हॉर्न सुन के, क्योंकि सामने जब कभी इसका हॉर्न मेन लाइन में ग्रीन सिग्नल मिला हो, सिग्नल देते बाहर और पूरा खींच के रखते हैं हॉर्न, ताकि सामने से कोई भी चीज हो, बड़ा मजा आता है यार गाड़ी बहुत उड़ाने में। इसको LP बनने के लिए कितना घंटा पढ़ना पड़ेगा, 1 घंटा पढ़ो यार, बिल्कुल मत पढ़ो अमन मजाक कर रहा हूँ, कोशिश करो यार कि अपना जितना भी पढ़ो अच्छा पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, पर ऐसा पढ़ो कि वो क्लियर हो आपका, ये नहीं कि यार 5 घंटे 8 घंटे गाड़ी किताब लेके बैठे रहो। मैं भी नहीं पढ़ता था यार, मैं नॉर्मल सी अपना जैसे तैयारी करते हैं नॉर्मली 4 से 5 घंटे मैंने पढ़े हैं, वो भी अपना गैप लेके, क्योंकि आपको पता ही है यार सोर्स काफी हो गए हैं, पहले सोर्स इतने अच्छे नहीं थे, ठीक है। लाइव में हूँ अभी फिलहाल, लेकिन आपको पता ही है कुछ रिस्ट्रिक्शन हो जाती हैं, मैं बीच में लाइव आऊंगा जब कहीं गाड़ी रुकेगी, या गाड़ी अगर देखते हैं अभी चलेगी नहीं चलेगी कुछ अभी कह नहीं सकते। आप तो फील करोगे अभी कुछ ही मिनट, भाई आप कौन सी बुक पढ़ी थी LP के लिए, ठीक है देखिए मैंने LP के लिए बुक पढ़ी थी, आप SPD की बुक पढ़ सकते हैं LP के लिए, और अभी जो किरण पब्लिकेशन की MCQ आई है प्रैक्टिकल मॉक सेट वगैरह, वो भी आप पढ़ सकते हैं। जब ट्रेन आ जाएगी तब लोको पायलट क्या उन्हीं को बुलेट ट्रेन चलाते चलाने को मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा यार, लोको पायलट बनाई उसके लिए, चाहे बुलेट ट्रेन हो चाहे कोई सी ट्रेन हो गाड़ी सब चलाई जाती है। तो आप सब भी लाइव जुड़े रही है, मेरी सैलरी कितनी है, मेरी सैलरी दोस्त मेरी सैलरी किलोमीटर वगैरह सब कुछ लगा के 70,000 तक बन जाती है, 60 से 70,000 के बीच में अप्रोक्सीमेट रहती ही रहती है कोशिश। चलिए मैं जा रहा हूँ भाग के, और लोग भी साथ रही है, कुछ कागज भी है सराफा, कुछ कागज भी मिलता है लोगों में लिखने के लिए, बिल्कुल मिलते हैं क्यों नहीं, तभी क्वेश्चन मिलेगा हमको, मेन लाइन से मैं गाड़ी उठाऊंगा आगे जाएंगे, उसके बाद में ये देखिए हॉर्न, तो मेरे ड्राइवर साहब बोल रहे हैं कि आप आ जाओ जल्दी से चलना मुझे आगे। चलिए दोस्तों फिर क्वेश्चन वगैरह लेता हूँ, आप लोग जुड़े रहिए, कैसे आगे वर्किंग करते हैं, क्या क्या चेक करता हूँ वो दिखाता हूँ मैं आपको आज। ठीक है चलिए जुड़े रहिए आज लाइव, आज आप लोगों के साथ लंबी लाइव हो जाएगी, कोई नहीं पहली बार मेरी 1 घंटे की लाइव होगी आज आप लोगों के साथ, तो यही प्यार बनाए रखिए। चलिए चलो सर गाड़ी आ गई,
दोस्तों मेरा फोन बीच बीच में बंद रहेगा और या फिर मैं पॉकेट में रख दूंगा, ठीक है? तो उस टाइम पे ऊपर वाली जिम में रखो, प्राइवेसी लीक ना हो, ठीक है? बिल्कुल भाई, प्राइवेसी लीक नहीं होनी चाहिए, इसलिए कुछ कुछ चीजें सोचनी पड़ती हैं। आप सब समझते होंगे इस चीज को। तो ये आ गई हमारी गाड़ी, ये खड़ा हमारा स्टार्टर और ये खड़ी हमारी गाड़ी। ये देखिए कितनी प्यारी लगती है यार, WDG 4G। इसकी बात ही अलग है यार, इसकी साउंड जब निकलती है बड़ा मजा आता है इसको चलाने में और देखने में, बड़ी खुशी मिलती है। ये रही हमारी पावर, ये WDG 4G। चलिए मैं करता हूँ फ्यूल चेक। चार हजार से कम का तेल है इसमें आज। बत्तीस सौ पचास तेल है दोस्तों। ये है हमारी बीसीएन गाड़ी, ठीक है? और मेरे ड्राइवर साहब करेंगे इसको ऑन ऑफ। मैं देख रहा हूँ अपना गाड़ी को पीछे, गाड़ी चल के आई है तो कुछ हैंगिंग पार्ट ना हो, कुछ टूटा जुटा ना हो, ये कुछ तो आप सब भी जुड़े रहिए। पानी निकालिए प्रेशर से संदीप, इसमें पानी निकालेंगे प्रेशर से, बिल्कुल वेट करिए। आपको पानी भी निकालते हैं, अगर होगा तो जरूर निकलेगा क्योंकि इसमें मॉइस्चर बहुत कम आता है दोस्त, ठीक है? तो टेंशन ना ले, इस चीज की टेंशन ना ले, आपके सामने ड्रेन करके दिखा दूंगा मैं। सुपर लोको परेड में रिस्क है भाई, बिल्कुल है रिस्क, क्यों नहीं है यार, रिस्क कहाँ नहीं है, बाइक चलाते हो रिस्क नहीं है? इसके भी गट चाहिए यार, इसको चलाने के लिए भी बड़ा मजा आता है। ऐसे ऐसे छोटे छोटे ड्राइवर मिलते हैं हमारे साथ में, तो उनके छोटी हाइट वाले या हमारी हाइट अलग रहती है, तो ऐसा लगता है हम वो असिस्टेंट है और हम ड्राइवर हैं। टेंशन ना लो, मैं जा रहा हूँ अभी पीछे घूमता हुआ, ये सब कैप वगैरह जो कि चोरी हो जाता है ध्यान रखना पड़ता, सजग रखना पड़ता RPF पे, ठीक है? तो ये लो भाई देख लो। चलिए अंदर चलते हैं, एक जे फिल्टर होता है यहाँ से मॉइस्चर निकालते हैं इसका, ठीक है? लेकिन है नहीं मॉइस्चर। तो मैं चेक करके आ रहा हूँ पीछे, ये हमारा ये हो गया स्टार्टर। लो भाई इतना मैं गाड़ी चेक कर लेता हूँ अपना। की गाड़ी आगे खड़ी होगी, ये कुछ पेपर वगैरह पड़े हुए हैं इसके अंदर। ठीक है ये आपकी कुछ, चलिए मैं चल रहा हूँ गाड़ी आगे, चलते हैं दोस्तों थोड़ा सा यार्ड में, इसलिए आज ये हो गया। ठीक है मिलते हैं अनदर ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।